सो फाइनली वी रीच मोंटेरिया विलेज एंड ये इनका रिसेप्शन एरिया है। एंड यहाँ पर आने के बाद आप ये देख सकते हो इनके ये सारे एक्टिविटीज़ हैं जो हमें मिलने वाले यहाँ पे। एंड एंट्री कराने के बाद आपको ये बैंड दिया जाएगा एंड ये साइड बैग दिया जाएगा। तो यहाँ आने के बाद आपको इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। इसे बोलते हैं काठियावाड़ी चाकड़ो और आप इससे पूरा मोंटेरिया विलेज घूम सकते हो इसमें, लेकिन आपको अलग से 50 रुपीज़ पर हेड देना पड़ेगा। और यहाँ आते ही सभी का स्वागत किया जाता है टीका और फूलों के साथ। और अब बज चुके हैं सुबह के 9:30, तो अभी टाइम हुआ है ब्रेकफास्ट का। तो यहाँ पर हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने और आप देख सकते हो जगह कितना सुंदर है। तो यहाँ पर बुफे लगा हुआ है, तो यहाँ नाश्ते में आपको बहुत सारे वैरायटी मिलेंगी जैसे पोहा, इडली सांभर चटनी, ब्रेड बटर, ब्रेड चटनी, चाय, और सभी एकदम डिलीशियस थे। तो हमें जो साइड बैग मिला था उसमें इस तरह से एक टॉय मिला था, मतलब इनकेस हम कहीं खो गए तो ऐसा आवाज़ करके हम मिल सकते हैं। लक्ष्मी के लिए दिया हुआ है क्योंकि घूम हो जाएगा। अच्छा, मुझे लगता है राजकुमार घूम होने वाला है। So let's begin the tour. Oh my god, thank you. Wow, मस्त लग रहा है। यहाँ पे ना आप लोग रह भी सकते हो, दिखा दो यहाँ पे, ये टेंट से यहाँ पे भी रह सकते हैं, ठीक है। और अभी हम चलते आ गए। ये मेरी दोस्त है सुमी। Hi. बस हो गया, मुझे तो मिलवाया नहीं। तो यहाँ पे ना हम ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम एंड फोटो शूट कर सकते हैं। 150 पर एडल्ट है यहाँ पे। चलो अब बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। तो यहाँ बहुत सारे पुराने गेम्स हैं जैसे कि कंचे, लट्टू, गिल्ली डंडा। तो यहाँ के जो स्टाफ है वो भी हमें गाइड कर रहे थे, सिखा रहे थे कि आप कैसे खेल सकते हो। तो हमने भी ट्राई किया यहाँ खेलने का, सो बहुत मज़ा आया यहाँ पे। तो मैंने आज तक गिल्ली डंडा नहीं खेला है, तो मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। लेट्स सी कैसे खेलते हैं। कितना दूर? अरे बाप रे। उसके बाद हमने बैडमिंटन भी खेला यहाँ पे। वाव। यहाँ जगह जगह वॉशरूम की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है जो कि बहुत ही क्लीन था। सो यू कैन स्पेंड अ गुड क्वालिटी टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हियर। तो यहाँ पर इस तरह से एक गुफा बनाया गया है, तो चलते हैं अभी गुफा के अंदर, देखते हैं क्या है। तो जब भी कोई लड़का लड़की के साथ आता है उसका यही काम होता है। और लड़की वहां पे आराम कर रही है, हम वीडियो बना रहे हैं, ये बेचारा हमारा बैग पकड़ा है। तो यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन का सेटअप भी है। तो ये है रेलवे स्टेशन मोंटेरिया विलेज का। पीछे देख। तो यहाँ जगह जगह साइकिल्स भी रखी हुई है, आप फ्री में इसे ले सकते हैं एंड पूरा विलेज घूम सकते हो। कितने सालों बाद चला रही है लक्ष्मी साइकिल? फिफ्थ में चलाया था मैंने, फिफ्थ में। लेट्स गो। सो नेक्स्ट स्टॉप इज बैम्बू फॉरेस्ट। तो यहाँ आप लोग इस तरह से बैठकर रिलैक्स कर सकते हो, चिल कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पर। तो अब हम आए हैं गांव का मेला देखने और इसे बोलते हैं आनंद मेला। तो यहाँ पे एकदम अलग अलग गेम्स रखे हुए हैं जैसे गांव में गेम्स होते हैं उस तरह से। तो यहाँ पर आकर आप बोटिंग भी कर सकते हो जहाँ पे आपको अलग से 100 रुपीज़ पर हेड देना पड़ता है। मोंटेरिया गांव में आपका स्वागत।
तो यहाँ से गांव की शुरुआत हो रही है। इस गांव में बहुत सारे अलग अलग दुकानें हैं, जैसे कि कारपेंटर का दुकान है, देन यहाँ पे खाट बनाना सिखाते हैं, आप सीख भी सकते हो यहाँ पर बैठकर। इस जगह पे सारी औरतें मिलकर अचार पापड़ बनाती है। देन ये गांव का स्कूल है, यहाँ पे बच्चे अंदर पढ़ाई भी कर रहे हैं। यहाँ एक दवाखाना भी है, देन ये बार्बर शॉप है। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारी दुकानें हैं। ये ना पूरा ऐसा गांव का सेटअप है, एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं कोई शूटिंग पर आई हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरह से सेट बना रहता है। मस्त है यार। तो यहाँ पर पॉपकॉर्न का शॉप है, देन सोडे का शॉप है, और ये रहा गोले का शॉप है। तो हमने डिसाइड किया है कि अभी हम सोडा पियेंगे। तो सोडा पीने के बाद अब हम आए हैं मटका बनाने, और यहाँ पे इनकी इतनी क्यूट सी बच्ची थी। तो मैंने लाइफ में पहली बार पॉटरी किया है, और आप देख सकते हो मतलब मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, और इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए आपको, बहुत मज़ा आएगा। तो इसके बाद हम आए हैं जाइंट स्विंग करने। मतलब मुझे तो झूले से बहुत डर लगता है, लेकिन मेरे लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस था जाइंट स्विंग। मतलब बहुत दूर तक ले जाएगा ये, बट बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन बहुत मज़ा भी आया, आप देख सकते हैं पूरा वीडियो। तो ये करने के लिए आपको अलग से 250 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो अब बज रहे हैं 2, और हमें लगी है बहुत तेज़ भूख, तो हम आए यहाँ पे खाने के लिए। तो यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों भी था, तो हमने वेज भी लिया है, नॉन वेज भी लिया है, और बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर खाने में, एंड गुलाब जामुन भी है, एंड इसके बाद हमें छाछ भी दिया गया। तो आप देख सकते हो अच्छा खासा क्वांटिटी क्वालिटी सब कुछ था। तो फाइनली हमने लंच किया, और लंच इतना ज़्यादा अच्छा था, मतलब कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और बहुत टेस्टी था। इतना खा लिया कि अब बिल्कुल भी कुछ करने का भी हिम्मत नहीं बचा है, बट मैंने अपने पेट में फिर भी जगह रखी है गुलाब जामुन खाने के लिए। तो यहाँ पर आके आप फार्मिंग भी कर सकते हैं, आपको सीड्स दिए जाएंगे जो आप ग्रो कर सकते हो। देन हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, एंड हमें मोबाइल भी चार्ज करना था, तो यहाँ पर रेस्ट रूम्स भी दिए गए हैं, यहाँ पर आप आराम भी कर सकते हो। इसके बाद हम आए हैं लक्ष्मण झूला में। सो अभी बज रहे हैं 4, और ये हमारा लास्ट एक्टिविटी है जो कि हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, रेन डांस भी है, आप बहुत मज़ा कर सकते हो यहाँ पर। एक्स्ट्रा कपड़े ज़रूर कैरी करके लेके आना, जो हम लेकर नहीं गए थे। तो अभी बज रहे हैं 5, और अभी हमारा स्नैक्स टाइम है। तो ये कैफेटेरिया एरिया है, और आप देख सकते हो कितना अमेजिंग है, एकदम सच में रॉयल वाली गांव की फीलिंग आ रही है। यहाँ पे अभी चाय नाश्ता करेंगे हम, तो चाय कॉफ़ी है, पकोड़े हैं, और बारिश तो हो रही है, तो बहुत मज़ा आया खाने में। तो मैं आपको इस पूरे ट्रिप का कॉस्ट बताती हूँ। तो हमें पर पर्सन पड़ा है 1500, और जिसे आप वेबसाइट से बुक करोगे तो 1500 है, एंड आप यहाँ आकर बुक करोगे तो 1650 रुपीज़ ऐसा कुछ है यहाँ पे। बट टोटली वर्थ इट था, एंड पूरा पैसा वसूल था, इनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी, एंड हर एक चीज़ काफ़ी अच्छा था। तो आप डेफिनेटली आकर ट्राई करो ये प्लेस। आई होप आपको ये ब्लॉग देख के मज़ा आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स।